it touches upon a lot of very, very important subjects in today's day and age. For example, why is sex such a taboo subject? Why do we not talk about it with normalcy? क्यों इसे हम ऐसे हश हश टोन में या यू नो छुप छुप के बात करते हैं. इक्वालिटी इज वन सच थिंग वेयर यू नो वी आर टचिंग अपॉन, बिकॉज जब एक आदमी एक गायनेकोलॉजिस्ट बनता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट जब एक लड़की को सेक्स क्लिनिक चलाना है तो उसका भाई खुद उसको बोला कि लड़कियों के ऐसे वाले क्लिनिक जाएगी. तो यू नो देयर आर दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर वेरी रेलेवेंट इन टुडेज एज दैट वी आर टचिंग अपॉन, एंड अदर थिंग्स लाइक सेक्स एजुकेशन. आई डोंट नो इफ you know, everybody knows, but sex education is banned in about 7 states in the country today. Why? Because if we don't give the kids the right information, knowledge, then of course, they will get to know the wrong way. And in today's time, what is it? Google, go and sex type, and there are so many wrong things. I think teaching all of this begins, should begin at home, in school. जब बच्चे एक एज के हो जाते हैं, जब उन्हें ये सब ग्रास्प करने यू नो की क्षमता होती है, ये इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हेन यू शुड टीच देम. जैसे कि हमने हर कोई दूसरा सब्जेक्ट सिखाते हैं. सोनाक्षी जी, कहना चाहता हूँ कॉमेडी इज समथिंग जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. कॉमेडी को लोगों को हंसाने में मज़ा आता है, जब कोई स्माइल करता है देख के हंसता है तो मुझे अच्छा लगता है. कॉमेडी जॉनर एक ऐसा है जिसने सबसे बड़ी एक्टर के लिए अचीवमेंट होती है एक्सेप्टेंस अमंग द ऑडियंस. सो कॉमेडी जॉनर एक ऐसा है जिसने मुझे वो एक्सेप्टेंस दी है ऑडियंस के लिए. तो ये जॉनर मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी छोड़ूंगा नहीं. लेकिन एट द सेम टाइम एक एफर्ट रहेगा कॉन्स्टेंटली डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करने का. अभी आने वाली जो आगे जो फिल्में आ रही हैं उसमें कॉमेडी के अलावा बहुत से अलग शेड्स देखने को मिलेंगे, बट दिस इज समथिंग आई लव. तो मेरे को अच्छा लगता है हंसाना और चेहरों पर स्माइल लाना. सो दिस इज समथिंग दैट आई कंटिन्यू, आई विश एंड आई होप दैट आई कंटिन्यू टू डू. कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो से मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि मेरा प्यार भी और बढ़े उनका, मेरे को ऐसा लगता है. बट ये एक्चुअली फैक्ट है. एक इंटरेस्टिंग देखते मेरी मम्मी मेरे से पूछ रहे थे कि बेटा तू मतलब कब से ट्राई करी जा रहा है कि रिश्ता होता नहीं तेरा कभी. बट आई होप कि आने वाली फिल्मों में रिश्ता हो और जुड़े. मैं भी आपकी तरह होप ही कर रहा हूँ. बट आई थिंक बट या इट्स बाय लक ओनली एंड इट्स बाय चांस ओनली दैट ऑल द फिल्म्स देयर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट एफर्ट कि मैं मतलब कोई बात होती है कि नहीं यार कि इसको तो नहीं मिल सकती. मैं बड़ा लोग कहते हैं कि ऐसे क्यूट करके भी चले जाते तो मेरे को लगता है उम्मीद तो है, तो वो देखो हकीकत में कब बदलती है. बादशाह हैव अ पॉइंट एज वेल. आई हैड अ यू नो वुमन डायरेक्टर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे सेट को हैंडल किया, पूरे स्टोरी को हैंडल किया, यू नो इस शूट को हैंडल किया, एक शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. मुझे लगता है कोई लेडी ही इतनी सेंसिटिव तरीके से सब्जेक्ट को ट्रीट कर सकती है. और उनकी पहली फिल्म में बिल्कुल नहीं लगा हमें यू नो एकदम ऐसे मंजी भी डायरेक्टर की तरह उन्होंने फिल्म को हैंडल किया है. और इनकी भी पहली फिल्म में हमको बिल्कुल नहीं लगा एकदम मंजे हुए एक्टर की तरह इन्होंने काम किया. कलाकार है ये. ये एक एक्चुअली कोइंसिडेंस हो गया कि दो हफ्ते दूर मेरी दोनों रिलीजेस आ गई हैं. फिजिकली एंड मेंटली इट्स क्वाइट अ ड्रेनर, बिकॉज मैं एक तो दो फिल्में भी शूट कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, फिर दो फिल्मों की प्रमोशन हो रही है, तो मैं मतलब बट गई हूँ पूरी तरह. इट्स स्ट्रेसफुल बट इट्स वेरी वेरी इन्जॉयबल, वेरी एक्साइटिंग. आई एम थैंकफुल कि मेरे पास यू नो इतना काम है एंड आई एम एबल टू डू दैट वेल एंड यू नो प्रोवाइड माई टाइम फॉर टीचर एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इक्वली. तो हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल तो है बट बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि दोनों फिल्में मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारी है. आई थिंक बहुत कंफर्टेबल सेटिंग था मेरे लिए, और ये नहीं है कि मैंने वो रिजेक्ट करी थी फिल्म, वो हुई नहीं किसी कारण, मतलब आई वुडंट रिजेक्ट डिड नॉट हैपन. बट इस फिल्म में मेरे बहुत कंफर्टेबल सेटिंग थी. सोनाक्षी थी सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, बिकॉज मुझे मैक्सिमम सीन्स मेरे सोनाक्षी के साथ थे, तो मुझे लगा कि एक आधा सीन कोई गलत हो भी गया तो मैं सोनाक्षी को कह सकता दोबारा कर सकते हैं आगे सीन, तो आई कुड पुश अराउंड. वरुण था और देख सकते, तो पूरी फैमिली शिल्पी में मतलब फैमिली वाली सेटिंग थी, तो मुझे था कि मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे संभाल लेंगे. बट अगर अक्षय कुमार सर हो तो मुझे भगा भगा के मारते, मुझे पता करके आ रहा हूँ मैं.